हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होके। और आज जैसा कि आप देख रहे होगे कि ये मोटी मोटी जो मिर्ची ब्लैक ब्लैक सी भी दिख रही है आपको, ब्लैक ब्लैक सी दिख रही होगी। और ये देखिए कुछ इधर है और कुछ इधर है। तो ये सब मिर्ची का मैं क्या करने वाली हूँ, तो आप समझ गए होगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी मिर्चियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ का जो मिर्ची है ना, वो बहुत तीखा होता है भाई, बहुत तीखा होता है। ये देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक सा हो गया। अभी मैंने इसको जस्ट धुला है और ये मोटी मोटी है। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं इसका अचार बना दूं, क्योंकि काफी ज्यादा ला दिए हैं मेरे हस्बैंड सौरभ जी ने। तो ये देखिए कुछ देर मिर्ची है जो कि मैंने इसे अलग से निकाल दिया हुआ है, बिकॉज इसका जो है सूख जाएगा ना, तो इसका मैं बीज डालूंगी अपने गमले में, इसलिए मैंने इसको जो है, ये काफी मोटा मोटा है यार, अच्छा लग रहा है बहुत देखने में। मतलब लंबे लंबे से बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिर्च हैं। ये देखिए एक एक मिर्च ऐसे ऐसे है। तो आपको ये दिख रहा होगा है ना, तो मैं आधा मिर्च यहाँ पे है। तो मैं इसको जो है, आज तो हल्की हल्की धूप आई है, हल्की हल्की, काफी दिन से धूप नहीं आ रही थी, तो इसका मैं अचार बनाने वाली हूँ। तो इसका सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? तो कुछ इस तरीके में इसको सुखा देती हूँ धूप में थोड़ा। उसके बाद जब मैं बनाऊंगी अचार, तो मैं आपको इसका सारा प्रोसेस बताऊंगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आपको आपके घर में वो सारे सामान मिल जाएंगे जो भी मैं इसमें ऐड करूंगी, ठीक है? बस कुछ फॉलो करेंगे, करने पड़ेंगे आपको टिप्स जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगी, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेक श्योर लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक से ही मेरा मन, मतलब वीडियो बनाने का फिर उत्साह मिलता है। तो चलिए मैं इसको धूप में जाके डाल देती हूँ, है ना? सो फ्रेंड्स, ये है सारे मिर्च आज के अचार बनाने के लिए सामग्री। तो ये देखिए यहाँ हरी मिर्च को मैंने धो के सुखा लिया था अच्छे से। तो ये मैंने आधे लिए हैं, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में उसका आधा लिया है। और ये है उसके सारे मसाले जो हमें चाहिए अचार बनाने के लिए। ये है कलौंजी जो कि मैंने 2 चम्मच लिया था। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले लेना, मेथी दाना उससे कम लेना, ठीक है? ये मैंने 2 चम्मच कलौंजी लिया है। अब इसके बगल में जो है ये है सौंफ, ठीक है? और ये पीली वाली राई, आप पीली वाली या काली वाली राय दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये हल्दी पाउडर और ये है नमक, स्वाद अनुसार अपना ले सकते हैं नमक। ये है जीरा, ये 1 चम्मच लिया है मैंने। ये है मेथी दाना और ये है अजवाइन, मीन्स कि यहाँ पे सौंफ और जो कलौंजी है और ये है सरसों का तेल। यहाँ सौंफ और कलौंजी, ठीक है? और राई, ये 2 चम्मच लेना और बाकी सब 1-1 चम्मच लेना, ठीक है? अब ये देखिए मिर्ची को हम लोग कट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से कट करना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी डंडी को पहले, जो डंठल होता है पीछे कैप लगे होते हैं, उसको निकाल के इसको लंबे लंबे आकार में कट कर लीजिएगा। आप चाहो तो किसी भी आकार में, मतलब एक मिर्च को आधा आधा कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। प्लस मैं तो अभी लंबे लंबे में भी बनाती हूँ और आधा भी करती हूँ। आपकी जैसी मर्जी होगी वैसा कर लेना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग 1-2 मिर्ची मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। और ये मैं सारे काट के अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा फाइनली सब कुछ कट गया है, सारे मिर्च कट गई है। अब हम लोग जो है इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो है, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग को मिर्ची कैसे सेलेक्ट करनी है। हम लोगों को मैक्सिमम, अगर कोशिश करें तो आप मोटी मिर्ची लीजिएगा। पतली, देखिए मोटी है एक पतली है, तो पतली मिर्ची लेंगे तो अच्छा। अगर पतली मिर्ची लेते भी हैं तो आप आधा आधा, हाफ हाफ कीजिएगा। ये हम सारे मसाले को रोस्ट करेंगे ताकि हम लोग का मसाला जो है उसका टेस्ट अच्छा है और अच्छे से पिस जाए, मतलब भूनते, इसीलिए है रोस्ट करते हैं पिस। अदरवाइज़ आप कच्चा अगर डालना चाहो तो बिना भूजे अगर धूप में दिखा के आप उसका पाउडर बना सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं धूप में नहीं दिखाई हूँ, मैं हल्का सा रोस्ट कर लियो। ऐसे नॉर्मली सभी लोग मसाले को हल्के से रोस्ट ही करते हैं, उसके बाद उसका पाउडर बनाते हैं। ये सारे को मैंने भूना है। और इसकी, इसको पहचानेंगे कैसे कि आपका जो है ये खड़े मसाले जो हो गए हैं, ये ना जब हो जाता है ना चटकने लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे चटके गए, ये देखिए चटक रहा है ना, बस ये फाइनल है, ये हो गया है। अब इसको हम लोग हटा उतार लेंगे। अब हम लोग इसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है?
दरदरा पाउडर बनाइएगा, एकदम बारीकी नहीं है। देखिए मेरा दरदरा ही आपको दिख रहा होगा, और ये देखिए मैंने कितने थोड़े से लिए थे, उतने ही थोड़े में अभी मेरा बहुत सारा जो है मसाला उस मिक्सी में ही है रह गया है, जो कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़े ही मसाले में बन जाता है ये मिर्च का अचार, टेस्टी बहुत लगता है। मैं आपको यहाँ पर नेचुरल तरीके से बनाया हुआ सब बताऊँगी। ये हल्दी नमक मैंने ऐड कर दिया हुआ है, यहाँ सरसों का तेल देखिए मैंने आधा ग्लास से भी कम लिया था, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, इतना सरसों का तेल डालिए आप जितना आपका मिक्स हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग सरसों का तेल को गर्म करके डालते हैं, गर्म करके ठंडा करके डालते हैं फिर, लेकिन मैं यहाँ कच्चा डाल लूँ क्योंकि मैं तुरंत वाला जो है वो उसका भी रेसिपी मैंने बनाया है मिर्च का अचार, जो एक मिनट में बन जाता है मिर्च का अचार, वो भी मैं अभी अपलोड करूँगी कुछ दिनों बाद, ठीक है, वो ज़रूर देखिएगा वो। फ्रेंड्स आप एक रोटी जितने जितने देर में बनाते हो ना, एक रोटी से भी कम टाइम लगता है वो अचार बनाने में मिर्च का, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ये हमारे अचार रेडी, कितना अच्छा लग रहा है ना, आप लोग एक बार इस मेथड से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको विनेगर, वाइट विनेगर दिखा रही हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा खट्टापन चाहिए आपको, तो कोई भी खट्टा चीज़ जैसे नींबू हो गया, वाइट विनेगर हो गया, या कोई सिक्का डाल ले सकते हो, या अमचूर पाउडर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ये देखिए, और वो विनेगर मैंने सिर्फ एक चम्मच से भी कम डाला था, बस हल्का सा टेस्ट आने के लिए, और जो उसकी खुशबू होती है ना डालने के बाद बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये बन गया। सो फ्रेंड्स ये फाइनल है, बताइए कैसा है। बाय बाय फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।